अस्सलाम वालेकुम आजमानी, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे होंगे। कहाँ जा रहे थे, दो मिनट मेरी बात सुनो। आपका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है और बेरोजगार हो, तो ये दिखावे की ज़िंदगी जो है ना भाई, छोड़ दें। किस्तों का मोबाइल, किस्तों का बाइक और किस्तों की ज़िंदगी, माफ़ निकल जा भाई, मुनाफिक समाज है, कोई किसी को नहीं बताएगा। आपको पहली बात है, आपके रिश्तेदार कभी भी नहीं बताएंगे, वो सब आपको किस्तों का बादशाह कहते होंगे कि भाई किस्तें देता है, परेशान है, समझ नहीं आते। दिखावे की इज्जत बना रहे भाई, किसके लिए इज्जत बना रहे? अपने आप की अगर इज्जत बनानी है ना, तो सबसे पहले लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दें, खासकर उन लोगों को इम्प्रेस करना जो कि इंतहाई फजूल तरीन लोग हैं, जिनकी एक टके की वैलिडिटी होती तो उनको इनकी इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि कल को वो तुझे इतना गिरा हुआ समझ जाते हैं। जिसके घर ज़िंदगी में अगर कामयाब होने, तो भाई पैसा बनाना सीखिए। पैसा कैसे बनाया जाता है मैं तुझे बताता हूँ। देख, पहली बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई अच्छा सा स्किल चाहिए, ऑनलाइन स्किल सीख ले, क्योंकि अगली जो दौर आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है ऑनलाइन का, ठीक हो गया? या तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पे तवज्जो देते, या को किसी लैंग्वेज सीख ले, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो इज्जत है ना, अब पैसे की है मेरे पास। खानदान में पहले ऐसे होता था, बुजुर्गों की इज्जत होती थी, जो बुजुर्ग होते थे, अब खानदान में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है। यकीन नहीं आता तो मैं तुझे एक सादा सी मिसाल देता हूँ। अगर किसी ज़रूरतमंद को कोई घर में परेशानी में कोई अपनी चीज़ बेचने लग जाए, जो खरीदने वाले होते हैं सबसे पहले उसके भाई और उसके रिश्तेदार होते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो देख ले, हज़ारों ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं समाज में, भरी पड़ी हैं भाई। मेरी बात है, सिंपल सा फंड है अपना। पहली बात यह है कि कामयाब होने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी करके YouTube पे चैनल बना, YouTube पे बना, Facebook पे बना, या कोई ऐसे स्किल से। दूसरी बात यह है कि कामयाब होने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा कि प्यार से दूर रखना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ी बीमारी है कि कहते हैं मुझे सच्चा प्यार हो गया। किसी को 13 दफ़ा होता है सच्चा प्यार, किसी को 20 दफ़ा होता है सच्चा प्यार। कि बहन से सच्चा प्यार जो है ना, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो सच्चा प्यार जो है ना, ये सिर्फ साला गरीबों को हो जाता है। गरीब लोगों को सच्चा प्यार होगा, ठीक है? अमीर इस चीज़ से बड़ा दूर होते हैं, क्योंकि वो किसी और का सच्चा प्यार खरीद लेते हैं, ठीक हो गया? हम लोग ऐसे हैं कि भाईजान, हम कहते हैं कि ये मुझे सच्चा प्यार हो गया, मर जाऊंगा तेरे लिए, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। अपने बाप से लड़ रहे हैं, अपनी माँ से लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वो दिला दो। और जब वो मिल जाती है तो भाई ऐसी लाइफ के अलग तेहनत याद होते हैं। क्योंकि आजकल जो इन्फ्लेशन और महंगाई जा रही है ना भाई, शादी हो भी गई ना तो फिर भी भाई एक दफ़ा तो हाथ जोड़ के अल्लाह ताला की तरफ देखोगे कि भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया, इतने खर्चे, 1 लाख से भी घर नहीं चलता, समझ आ गई? और जो आप कह रहे हो ना कि ये बंदी मुझे मिल जाएगी तो मैं इससे बहुत प्यार करूंगा, अभी तक वो तुझे हासिल नहीं हुई। जब तुझे हासिल हो जाएगी ना, तब तो कहेगा यार बाढ़ में जाए मेरी ज़िंदगी, मैं तो जलील हो गया हूँ यार। ये ऐसी औरत थी यार, शादी से पहले तो मैंने इसका ये रूप देखा नहीं था। और शादी से पहले अगर कोई लड़की भी मेरी ये वीडियो देख रही है, तो शादी से पहले आपने उस बंदे का वो रूप नहीं देखा जो रूप उसका रियल में है, वो रूप आपको वो दिखाएगा शादी के बाद। तब आपको कि यार ये वही लड़का है जिससे मैं इतना प्यार करती थी, रात रात तक बात करती थी, सब कुछ चेंज। एट द एंड ऑफ लाइफ आप अकेले रहते हैं, तो अकेले रहने से बेहतर यही है भाई, कामयाब हो जाओ। अपने आप के लिए नहीं, अपने वालदैन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी इज्जत के लिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा। यूट्यूब पे चैनल बनाओ, 6 महीने साल भूल जाओ कि मैंने भाई इस पर कामयाब होना, पैसा आ जाएगा इंशाल्लाह। पहली बात यह है कि अपने यहाँ पर फ़र्ज़ निभाना है कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखना है, इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराना। और दूसरी बात यह है कि भाईजन आप लोगों ने मेहनत करनी है। मेहनत इसलिए करनी है कि भाईजन इस पाकिस्तान में आप रातों रात चौधरी और खान बन सकते हो, ठीक है? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पैसे कहाँ से आए, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप हलाल तरीके से, हलाल तरीके से आप इज्जत कमाओ। क्योंकि इंसान को इज्जत बनाने में ना पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में 1 सेकंड लगते हैं, इसलिए इज्जत बनाओ। रिश्तेदारों को इंप्रेस करना इच्छा से खत्म हो जाओ। शरीकों से मैं वैसे जुड़ता हूँ भाई, अगर कोई मेरा रिश्तेदार भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो भाई मुझे माफ़ कर दियो, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ की इज्जत नहीं करता जो आप लोगों के दिलों में बातें हैं, ठीक है? मैं हर बंदे की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं हर बंदों को दिलों से जानता भी हूँ। एंड में मैं आपको ये शेयर सुनाऊंगा, वो अलग बात है कि मैं किनारे पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन कितने पानी है, ठीक हो गया? अपना ख्याल रखिएगा आप, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में।